सो हेलो एवरीवन, दिस इज नगमा योर एजुकेटर एंड वेलकम टू द एडु स्किल्स। टुडे हमने लास्ट वीडियो में एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो मेरिटरी करेक्टर चाहिए होता है हमें, वो क्या होता है? वो होता है हमारा फर्स्ट यूनिसेक्सुअलिटी। प्लांट कैसा होना चाहिए? हमारा यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें स्टेमेन प्रेजेंट है तो कैसा होगा? स्टेमिनेटेड होगा। और अगर वो पिस्टल प्रेजेंट है तो कैसा होगा? वो पिस्टलेटेड होगा। ओके, सो प्लांट शुड बी यूनिसेक्सुअल। दिस इज द रिक्वायर्ड कैरेक्टर, दिस इज द मैंडेटरी फॉर द एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस, क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में हमें यूनिसेक्सुअल प्लांट ही चाहिए होता है। बिकॉज हम क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं, एक प्लांट का एंथर होगा, मतलब एक प्लांट के एंथर का फ्लावर के एंथर होगा, दूसरे प्लांट्स का फ्लावर का पिस्टल होगा, ठीक है, कापल होगा हमारा। क्या करेगा वो? वहां पर फिर हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, सो वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स, we have mulberry, papaya, okay, so we have, अगर किसी प्लांट में पहले ही क्या, पहले ही हमारा मेल ऑर्गन डेवलप हो जाता है और मेच्योर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम, उस प्लांट को हम बोलते हैं प्रोटेंड्रस प्लांट, प्रोटेंड्रस कंडीशन, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन कहलाई जाती है हमारी? वो हमारी कहलाई जाती है, अगर किसी प्लांट में मेल हमारा पहले मैच्योर हो जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन हमारा पहले ही मैच्योरिटी गेन कर लेता है, इफ इन एनी प्लांट male sex organ mature first, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? प्रोटेंड्रस। ओके, क्या बोलेंगे हम उसे? प्रोटेंड्रस। एंड्रस वर्ड आ रहा है एंड्रोशियम से, मैंने आपको बताया था पहले भी कि एंड्रोशियम जहां वर्ड आ जाता है, एंड्रस वर्ड आ रहा है वहां पर हमारे मेल की बात होती है। अगर यही हमारा फीमेल पहले, फीमेल हमारा सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोटोगाइनस। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड होता है। या तो पहले हमारा मेल कैरेक्टर डेवलप हो गया तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्रोटेंड्रस कंडीशन बोलेंगे। या हमारा अगर फीमेल कैरेक्टर पहले डेवलप हो गया उसे क्या बोलेंगे हम? प्रोटोगाइनस बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो हमें डिफरेंट एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, कहां पर? प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस दोनों में, ठीक है। अगर हम फर्स्ट प्रोटेंड्रस देखें, प्रोटेंड्रस में एग्जाम्पल हमारा ओकरा, ठीक है, हम ओकरा ले सकते हैं प्रोटेंड्रस में, एंड हमारा कॉटन। इसी तरीके से प्रोटोगाइनस में हमारा जलपा, ठीक है, जलपा हो सकता है, एंड रेनंकुलस एंड कस्टर्ड एप्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, ये बात हुई हमारी किस चीज की? हमारे एडेप्टेशन की बात हुई हमने प्लांट्स में। एक चीज और यहाँ पर डेवलप होती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम बात करें तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की अगर हम बात करें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के जो
कॉन्सेप्ट में ये आता है कि किसी भी इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसी कोई भी प्लांट अपने ही प्लांट का अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर का एंथर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अपने एंथर को मीन्स एक्सेप्ट करना मतलब पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर क्योंकि हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, हमारी वही वेराइटी आ जाएगी। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये निकल के आता है कि अगर किसी भी सेम प्लांट है हमारा सेम प्लांट है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, किसी भी प्लांट का स्टिग्मा ऑफ फ्लावर नेवर अलाउ द पोलन ग्रेन of the same plant मतलब अगर कोई भी प्लांट हमारा किसी भी प्लांट में हमारा हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, सेम प्लांट का पॉलन अगर गिर गया है, ठीक है, और यहां पर कोई डिफरेंट प्लांट का पॉलन गिरा है तो डिफरेंट प्लांट का जो पॉलन होगा वो पॉलन ट्यूब क्रिएट कर लेगा और क्या करेगा, नीचे हमारा मेल गैमेट्स को छोड़ देगा। लेकिन ये वाला जो सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन होगा ये हमारी स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, हमारा स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये फीचर होता है हमारा स्टिग्मा का इनकम्पैटिबल होने का। हमने जो अपने लास्ट वीडियो में कंपैटिबिलिटी को भी डिफाइन किया था, दैट कंपैटिबल प्लांट स्टिग्मा क्या करती है, अपने ही कंपैटिबल पोलन को ही एक्सेप्ट करती है, आगे का प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये हमारा सेम प्लांट का होगा तो ये इसे कंपैटिबिलिटी नहीं दिखाएगा, ये इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी, इसीलिए क्या होगा ये डिजनरेट होकर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं पोटैटो, टोबैको। ओके सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू कैन कम इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।